इस बार भाई 350 रुपए से लेकर 2500 तक के बहुत सारे बैकपैक्स दिखाने वाला हूँ। पहला जो ब्रांड है सबसे सस्ता हमारा ब्रांड 350 रुपए का बैकपैक अमेजोन की तरफ से आता है। पूरा ब्लैक कलर का बैकपैक है, पूरी बॉडी आपको पॉलिएस्टर फैब्रिक की देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये पॉलिएस्टर ना एकदम चिकचिक वाला जैसे जैकेट वाला पॉलिएस्टर नहीं होता, इसकी जो बनावट होती है ना भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, थोड़ी कैनवस जैसी आपको फील होगी। फ्रेंड में आपको अमेजोन पे से इसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और ऊपर में ग्रीन कलर का जिप मिलता है जो कि इसे बहुत अमेजिंग लुक दे रहा है। जिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, पूरा प्लास्टिक है, इसमें जिप दिया गया है। 350 रुपए बल्ले बल्ले। डेप्थ की बात करें तो जिप के नीचे से जितना आपको जगह मिल रहा है ना ये उतना आप यहाँ पर डेप्थ यूज कर पाओगे। बाकी अगर इसके मेन कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक चीज क्या अच्छी है ना, 350 रुपए भाई बहुत कम होता है किसी बैकपैक के लिए, लेकिन जिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा स्मूथ है। अंदर की तरफ आपको एक वेल पैडेड लैपटॉप स्लीव भी देखने को मिल जाएगा, ऊपर में आपको स्ट्रैप देखने को मिलता है, पूरा अच्छा खासा डेप्थ आप इसमें यूज कर सकते हो। बाकी ये कितने लीटर का है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन में मिलते रहेगी। साइड में आपको बोतल कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा नेट वाला, यहाँ पर बोतल रखो या छाता रखो या जो भी रखो। की तरफ आपको वेल पैडेड स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा जिसमें पूरा मेश का काम किया गया है। उसके बैक की तरफ देखोगे ना तो यहाँ पर इसमें सिंपल रखा गया, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग तो भाई करनी बनती है, हम ऑलरेडी इतना कम पे कर रहे हैं। ऊपर में आपको एक डिसेंट सा हैंडल देखने को मिल जाएगा, वही ग्रीन कलर का थीम यहाँ पर भी ऐड किया गया। बाकी इसके बगल्स की भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। डेफिनेटली अगर आप देखो ट्रैवल कर रहे हो, सिंपल कहीं कहीं कपड़े वपड़े भर के जाना है या कॉलेज जाना है या कहीं पे भी, आप इसे मल्टीपर्पजली यूज कर सकते हो। ये इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ आता है भाई 350 रुपए में, समझो फ्री का ही मिल रहा है। नेक्स्ट बैकपैक आता है भाई हमारा एक अमेजिंग और ब्रांड से, ब्रांड का नाम है एयर जॉर्डन। आई नो ये एयर जॉर्डन का मोस्टेरा फुफेरा भाई टाइप का लगता है, लेकिन इसमें आपको दो कलर मेजरली देखने को मिल जाएंगे, ग्रे एंड ब्लैक। जितना भी आप ग्रे पार्ट देख रहे हो ना वो थोड़ा सा आपको टेक्सटाइल कैनवास जैसा मटेरियल फील होगा, बाकी ये ब्लैक वाला पूरा पॉलिएस्टर जैसा फील होता है, अच्छी क्वालिटी है। फ्रेंड में आपको फर्स्ट जॉर्डन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी विच इज प्रिंटेड। पहले कंपार्टमेंट की बात करें तो डेफिनेटली जिप के ग्रिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है स्टेनलेस स्टील की, और चेन भी बहुत ज्यादा स्मूथ है। थोड़ा सा इसमें थ्रस्ट फील होता है लेकिन वो भी एक अच्छा ही चीज माना जाता है। अंदर की तरफ आपको पूरा पॉलिएस्टर का काम मिलेगा, मल्टीपल आपको कंपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर इसके मेन कंपार्टमेंट से पहले साइड साइड देखें तो यहाँ पर आपको अगेन एक नेट वाला बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा, दूसरी तरफ आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। एंड में इसकी प्राइसिंग आपको इंप्रेस कर देगी, ऊपर में आपको वेल पैडेड मेश का बना हुआ हैंडल ग्रिप मिलता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। उसके बैक में आपको एक हुक देखने को मिल जाएगा, और अगर इसके मेन कंपार्टमेंट की बात करें ना अगेन जिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी, और अंदर में आपको वेल पैडेड एक लैपटॉप स्लीव देखने को मिलेगा। हालांकि ऊपर के जो स्ट्रैप की क्वालिटी है ना डेफिनेटली बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकती थी ये कंपनी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये कमी थी मैंने आपको बता दी। एक बहुत तगड़ी क्वालिटी का आपको वायर देखने को मिल जाएगा, सच में अच्छी क्वालिटी है, और यहाँ पर आप पूरा इस बैग का डेप्थ यूज कर सकते हो। लेकिन उससे तगड़ी बात क्या है कि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर सूटकेस जैसा ना लॉकर भी देखने को मिलता है, इन केस अगर आप कुछ भी इंपॉर्टेंट रख रहे हो, लोकल्स में जाते हो, यहाँ वहाँ ट्रैवल करते हो और चोरी होने का डर है, तो यहाँ पर आप ये नंबर लॉकिंग के थ्रू इस जिप को लॉक कर सकते हो। बहुत तगड़ी चीज लगी मुझे। वेल पैडेड आपको स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा, मेश का पूरा काम मिलता है, बैग में भी आपको पूरा मेश का काम मिल जाएगा, ट्रॉली कंपैटिबल भी है ये, तो अच्छे से आप टांग वांग के एकदम ट्रॉली में घूम सकते हो, तंतना सकते हो इधर उधर। बाकी ओवरऑल यही है इसकी गाथा, यही है इसकी कहानी, और इसकी प्राइसिंग है भाई 799 यानी 800 रुपए का ये बैकपैक है इतने सारे फीचर्स के साथ। तो अगर आपको जाना है डेफिनेटली जा सकते हो। नेक्स्ट बैकपैक का ब्रांड भाई वो ऐसा ब्रांड है ना कि अगर बैकपैक की वीडियो बने और इस ब्रांड को ऐड ना कर रहे हो वो कंप्लीट सा फील नहीं होता। ब्रांड का नाम है सफारी, जस्ट लुक एट दिस। सफारी आपको टैग मिल जाएगा और ऑब्वियसली बड़ा बड़ा लिखा मिलेगा 12 months ऑफ इंटरनेशनल वारंटी, और प्राइसिंग यहां पे लिखी हुई भाई 3399। इतना आपको पे नहीं करना है, डोंट वरी, झटका लगेगा आपको प्राइस सुनकर। पूरी बॉडी अगेन आपको पॉलिएस्टर की देखने को मिल जाएगी। ब्लैक कलर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ब्लैक कलर इज द बेस्ट कलर इन बैकपैक्स। फ्रंट में आपको सफारी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, थोड़ी सी ग्राफिक डिजाइनिंग बनाई गई है, ये सारा ना प्रिंट का काम है। पहले कंपार्टमेंट की अगर बात करें तो आपको बड़ा सा होल्डर देखने को मिल जाएगा जो कि अगेन वही फैब्रिक से बना हुआ है जिससे ये बैग बना हुआ है, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन उसमें टच है। जिप की क्वालिटी ऑब्वियसली स्मूथ होने वाली है। अंदर की तरफ आपको इसमें पूरा डेप्थ यूज करने को मिलता है भाई, ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए। फ्रंट में आपको एक रबर जैसा पैच देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कोई वेंटिलेशन का काम नहीं है, मेरे को ऐसा लगा था टेस्ट करते वक्त। उसके ऊपर आपको एक और कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा जहां पर भी आप पूरा डेप्थ यूज कर सकते हो। ठीक उसके पीछे देखोगे तो आपको एक और कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा, एक मेन कंपार्टमेंट जैसा। इस कंपार्टमेंट में आपको कोई और अंदर में छोटा छोटा कंपार्टमेंट नहीं मिलता, क्या ये लास्ता नहीं, इसके पीछे भी आपको एक कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर अगेन डुअल जिप देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलता है भाई एक प्रॉपर लैपटॉप स्लीव, वेल पैडेड है, ऊपर में आपको एक अच्छा स्ट्रैप भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आप पूरी डेप्थ यूज कर सकते हो। ऊपर में आपको एक वेल पैडेड हैंडल देखने को मिल जाएगा, एक हुक मिल जाएगा, बैक में आपको मोटे मोटे चौड़े चौड़े मेश बने हुए पूरे शोल्डर स्ट्रैप देखने को मिल जाएंगे, एक में आपको सफारी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, अगल बगल की भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बैक में पूरा मेश का आपको काम मिलेगा, दोनों साइड में आपको बोतल के कंपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल देखोगे ना तो सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा इसमें, महज 1000 रुपए के आसपास का ये बैकपैक है। और उस हिसाब से अगर सफारी को जज करोगे, इसके कंपार्टमेंट्स को जज करोगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, अगर आपको देखो बहुत सारे बुक्स, बहुत सारी चीजें, मल्टी
मल्टीपल चीजें कैरी करनी है ना, ये बैकपैक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी कमी की बात करें तो नीचे वाला जो पोर्शन है ना इस बैकपैक का, थोड़ा सा इसमें रबर कोटिंग वोटिंग कर देते तो बेस्ट हो जाता, लेकिन अभी भी बुरा नहीं है। मैं बस एड ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट बैकपैक आ गया हमारे पास में। प्राइस को थोड़ा और ऊपर करते हुए हम आ गए हैं 1800 रुपए के आसपास के बैकपैक में। और ये बैकपैक भी भाई एक बहुत खूबसूरत अवनीश लुक के साथ आने वाला बैकपैक है। वैसे अगर आपको नहीं पता भाई, हम बैकपैक की बहुत सारी वीडियोस डालते हैं, आप जाके हमारे चैनल में एक्सप्लोर करिए। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को, फटाक से जाके करो। क्या कर रहे हो? पूरा बैकपैक आपको टेक्सटाइल फैब्रिक का देखने को मिलेगा, कैनवस कैनवस जैसा फील होता है। ऊपर में आपको कॉन्टैक्ट्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, यही इसके ब्रांड का नाम है। फर्स्टली अगर फर्स्ट कंपार्टमेंट की बात करें ना, इसकी जो डिजाइनिंग है ना, थोड़ा सा गुची कोच टाइप के बैगों जैसी की गई है। फ्रंट में आपको एक बड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाएगा कंपार्टमेंट बेसिकली। ऊपर में आपको एक यू टाइप का ना मटेरियल देखने को मिलता है, पीयू भी नहीं है, रबर जैसा कुछ ऐसा फील हो रहा है। एक मतलब डिजाइनिंग जैसी है, जहां पर आपको बकल्स देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने प्रॉपर भाई प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है इसे। अच्छी बात क्या है ना कि इसे बार बार खोलने की जरूरत नहीं, ये मैग्नेटिक स्ट्रैप्स हैं, ये पट पट से खुल जाते हैं। अच्छी बात क्या है कि ये डायरेक्ट इसके बाद ओपन नहीं होता, आपको एक अंदर में जिप भी मिलता है। इतना ये बड़ा डब्बा दिख रहा है ना, उतनी बड़ा आपको यहाँ पर स्पेस मिलेगा। हर जगह ना आपको पैडिंग इसमें जरूर देखने को मिल जाएगी, ये मुझे अच्छी लगी। और जिप की क्वालिटी भी स्मूथ है। साइड साइड देखोगे तो यहाँ पर भी आपको बोतल कंपार्टमेंट जैसे बनाए हुए देखने को मिल जाएंगे। इसकी डिजाइनिंग थोड़ी सी अलग है, साइड साइड में इलास्टिक्स दिए हुए हैं। ऊपर में अगर देखोगे तो एक आपको हैंडल देखने को मिल जाएगा और सीधा पहुंच जाते हैं इसके मेन कंपार्टमेंट पे। इसको क्या करना है, बस डुअल चेन मिलता है, अपर की तरफ से ना ये खुलता है ऐसे ढक्कन की तरह। ऐसे करके करोगे ये यहाँ से खुल जाएगा और अंदर में आप पूरा स्पेस यूज कर पाओगे। भाई पूरा अंधेरा है अंदर में। चारों तरफ आपको पैडिंग देखने को मिलेगी, एक लैपटॉप स्लीव देखने को मिल जाएगा, अच्छी पैडिंग के साथ आता है। और अंदर में और कुछ नहीं है, प्रॉपर आपको स्पेस यूज करने के लिए दिया गया है। अंदर में आपको एक यूएसबी वायर भी देखने को मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि इसमें भी आपको वो चार्जिंग वाला फैसिलिटी मिलता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अगर पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको अगेन बहुत चौड़े चौड़े शोल्डर स्ट्रैप्स देखने को मिलेंगे। इसके बैक में आपको पूरा मेश का काम मिल जाएगा, तो वेंटिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक छोटा सा टंगनी मिल जाता है जिसके थ्रू आप इस बैकपैक को टांग सकते हो। बाकी ट्रोली कंपैटिबल ये भी है। बैक का जो ये पोर्शन है ना, यहाँ पर थोड़ा सा अगर मेश वेश डाल देते ना तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। नहीं है ये, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बगल की क्वालिटी भी मैं डिसेंट कहूंगा, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी मुझे इसकी नहीं लगी। और थोड़ा लचपच लचपच भी कर रहा है, मतलब वो ऐसे ऐसे ना फ्लेक्स कर रहा है। ओवरऑल अगर जज करें तो इस बैकपैक को अगर ऐसा लुक देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी सी ना इंप्रूवमेंट्स अभी इसमें बाकी है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट बैकपैक आता भाई हमारा अमेरिकन ट्विस्टर से, विराट कोहली भैया। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे एकदम चमकते हुए। यहाँ पर भी भाई आपको एक साल की वर्ल्ड वाइड वारंटी देखने को मिल जाएगी। प्राइसिंग आप लगे 2500 रुपए, इतना आपको पे नहीं करना है, मैं आपको सही प्राइसिंग बताऊंगा। एक और खूबसूरत ब्लैक कलर का बैकपैक है। फर्स्टली अगर कंपार्टमेंट की बात करें तो फ्रंट में आपको एक कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा, जहां पर आप इसके नीचे वाला पार्ट पूरा यूज कर सकते हो। साइड में आपको ना एक थोड़ी सी ना रबर कोटिंग जैसी ना स्पेस देखने को मिलेगी, जहां पर अमेरिकन ट्विस्टर की ब्रांडिंग की गई है। ऑब्वियसली बैकपैक लुक वाइज ना भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो ब्रांड का टच आपको फील होगा। उसके ऊपर वाले कंपार्टमेंट को अगर खोलोगे तो यहाँ पर भी आपको फुल डेप्थ यूज करने को मिलेगा, जहां पर आपको छोटे छोटे और मल्टीपल कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। साइड साइड में आपको बोतल होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे दोनों तरफ। और उसके ऊपर भी आपको यहाँ पर एक और बड़ा सा कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा, जहां पर डुअल चेन मिलेगा और यहाँ पर भी पूरा आप डेप्थ यूज कर पाओगे। ठीक उसके बैक में एक और मेन कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर में आपको वेल पैडेड स्लीव देखने को मिल जाएगा, एक स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा। एंड ओवरऑल इसकी भी जो डिजाइनिंग है ना, वो सफारी वाले बैकपैक की तरह ही की गई है। देखो ये सारे जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो प्रॉपर हरने के लिए बनाए जाते हैं। बैक की तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको वेल पैडेड स्ट्रैप्स भी देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रैप के ऊपर में भी ना आपको एक हल्की सी कोटिंग सी फील होती है। एक स्ट्रैप में आपको अमेरिकन ट्विस्टर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जहां पर रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग की गई है। थोड़ा सा लाइट वाइट पड़ने पे ना शाइन करेगा, झलकेगा, जमकेगा। बैक में भी आपको पूरा मेश का काम मिलता है और इसके बकल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। थोड़ी सी छोटी छोटी है, लेकिन ओवरऑल जो बैकपैक का लुक आता है ना, वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड आता है। ऑब्वियसली अमेरिकन ट्विस्टर का है, लेकिन आपको इसमें ज्यादा प्राइस नहीं पे करना है। 1400 रुपए के आसपास का बैकपैक है। दोस्तों अब हम जंप कर चुके हैं अपने प्रीमियम सीरीज पे, यानी अब हम पहुंच चुके हैं भाई 2000 रुपए के मार्क पर। अब देखते हैं कि 2000 अगर खर्च करें ना, यहाँ पर हमें कैसी कैसी क्वालिटीज देखने को मिलती है। गोल्डन वुल्फ का आपको टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग यहाँ पर नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि कितने में मिलेगा। ये भी बैकपैक ना पूरा टेक्सटाइल फैब्रिक जैसा बनाया गया है। ऊपर में आपको एक मेटल का वुल्फ का फेस देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके ब्रांड का लोगो है। ठीक उसके नीचे आपको एक ब्राउन या टैन जैसा स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पर गोल्डन वुल्फ की ब्रांडिंग की गई है और साइड साइड में बटन्स की डिटेलिंग है। मेनली अगर कंपार्टमेंट पे जज करें, पहले कंपार्टमेंट की बात करें तो जिप की क्वालिटी अगेन बहुत ज्यादा अच्छी है, स्मूथ है। ग्रिप की भी जो क्वालिटी है ना, मतलब वो जो जिप का ग्रिप होता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अंदर की तरफ आपको पूरा डेप्थ यहाँ पर यूज करने को मिलेगा। हालांकि अच्छी क्या नहीं लगी मुझे चीज, अंदर भाई ऑरेंज ऑरेंज डाला हुआ है। साइड में आपको नेट वाले बोतल होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। पहले अगर बड़े कंपार्टमेंट को अगर हम खोलें
क्या स्मूथ खुल रहा है यार, पूरा ऑरेंज ऑरेंज क्या ऑरेंज ऑरेंज आपको देखने को मिल जाएगा। मल्टीपल आपको यहाँ पर कंपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, बड़े बड़े, आपको जो रखना आप उस हिसाब से रख सकते हो। पूरा डेप्थ आपको यूज करने मिलता है। एक्चुअल अगर इसका मेन कंपार्टमेंट की बात करें ना, जो सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है, वहां पर आपको लैपटॉप स्लीव बड़ा सा देखने को मिल जाएगा। ऊपर में आपको इलास्टिक वाला स्ट्रैप देखने को मिलता है। प्रॉपर यहाँ पर भाई लैपटॉप का फोटो भी बनाया गया है, वेल पैडेड है चारों तरफ भाई। इधर भी पैडिंग है, इधर भी पैडिंग है, कोई भी इक्विपमेंट्स आपके खराब नहीं होने वाले। जबरदस्त चीज क्या है कि यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए यूएसबी केबल तो मिलते ही है, लेकिन आपको एक ऑक्स केबल भी देखने को मिल जाएगा। यानी आउटर साइड में देखोगे तो चार्जिंग के साथ यहाँ पर हेडफोन्स के भी स्पेस बनाए गए हैं, अगर आपको गाना वाना सुनना है तो। अली नबी भाई प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्स वाला जो घुसने वाला जो छेदा था ना, वो तो गायब ही हो गया है। इस बैकपैक में बहुत बड़ी चीज मिसिंग क्या है पता है? ऊपर वाला जो ग्रिप होता है पकड़ने वाला, उसकी जगह यहाँ पर आपको एक बहुत तगड़ी क्वालिटी का ना लॉक दिया गया, जहाँ पर लेवल भी लगा हुआ है भाई, कि इसका जो रीसेट पासवर्ड है वो अभी 000 अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। ये चीजें ना बहुत जरूरी होती है, छोटी सी चीज है, आपके महंगे महंगे सामान को ना प्रोटेक्ट कर सकती है। बैक की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको वेल पैडेड थोड़े से पतले शोल्डर स्ट्रैप्स देखने को मिलेंगे। बैक में पूरा मेश का काम मिलेगा, ट्रॉली के लिए यहाँ पर आपको जुगाड़ दिया गया है। बाकी अगर स्ट्रैप में भी देखोगे ना, तो एक स्ट्रैप में आपको एक जिप देखने को मिल जाएगा, छोटी मोटी चीजें यहाँ पर रखनी है तो रख सकते हो। और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको एक लेदर जैसा पैच मिलता है, जहाँ पर आप अगर कुछ टांगना चाहो, मे बी अपने ग्लासेस या कुछ भी, यहाँ पर आप टांग सकते हो। बकल्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। और नीचे की तरफ इसमें आपको एक और जिप मिलेगा, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा रेन कवर, यानी ये पूरे जुगाड़ के साथ बैकपैक आता है। इस बैकपैक में ना आपको कहीं भी ना वो मिसिंग सी ना फीलिंग नहीं आएगी, अरे ये नहीं था वो नहीं था। ओवरऑल बैकपैक बहुत ज्यादा अच्छा है, जाना चाहो हंस के जा सकते हो। और आपको पता है इसकी प्राइसिंग क्या है? महज 2000 रुपए। इसके बाद हमारे पास भाई सिर्फ और सिर्फ दो बैकपैक बचेंगे, लेकिन दोनों की क्वालिटी ना आपका दिमाग हिलाने वाली है। 2500 रुपए आप पे कर रहे हो और ब्रांड आपको मिल रहा है सीधा अपर केस। अपर केस का आपको टैग मिल जाएगा भाई बुमरा यहाँ पर छपे हुए हैं। प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई 3100, आपको पता है कितना पे करना है। फर्स्टली बैकपैक का जो लुक है ना, वो अलग ही लगता है भाई। साइड में आपको वर्क एसेंशियल लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन फ्रंट वाले पार्ट में ना बहुत सारी आपको रबर की ना डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। एक अलग सा ना भाई कार्बन फाइबर टाइप का या फ्यूचरिस्टिक टाइप का ना फील करवाता है। फर्स्ट कंपार्टमेंट की अगर बात करें तो जिप को खोलते साथ स्मूथ फील होगा, अंदर की तरफ आप पूरा स्पेस यूज कर पाओगे और हर जगह आपको ये चूरन देखने को मिल जाएगा। बाकी अंदर में जो फैब्रिक है ना, उसकी भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, पॉलिएस्टर है। हालांकि जिप के ऊपर में भी ना आप देखो, यहाँ पर रबर कोटिंग की गई है, यानी बहुत मुश्किल से ही पानी घुसेगा। जिप के ग्रिप की भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी, अपर केस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये सिर्फ डिजाइन ही बल्कि इसके अंदर भाई आपको एक प्रॉपर पूरा कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा, हालांकि वो उतना सेफ नहीं है, डायरेक्ट कंपार्टमेंट है। वैसी चीजें रखना जिसको खोने का आपको गम नहीं होता। उसके ऊपर में आपको एक फ्लैप देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर अपर केस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और ये पूरा मेटल का है, बहुत तगड़ा लगता है। फटाफट इसको खोलते हैं। मैग्नेटिक क्लोजर है यहाँ पर, आपको हल्का सा मैग्नेट का टक से आवाज आपको फील होगा। उसको खोलने के बाद आपको एक सिंगल कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा, जहां पर डुअल चेन मिल जाएंगे सेम वही ग्रिप के साथ में। खोलते टाइम भी ना आपको एक हल्का सा थ्रस्ट फील होगा, थोड़ा सा हार्ड जैसा चेन लगता है, वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर भी ना आपको पूरी रबर की कोटिंग देखने को मिलेगी। प्रॉपर प्रोटेक्टेड है भाई बैकपैक, चारों तरफ से पैडेड है ये बैकपैक, हर जगह से भाई, सच बता रहा हूं। अंदर में आपको अपर केस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और जिप देखने को मिलता है, जहां पर और थोड़ी चीजें आप रख सकते हैं जो मन में चाहे। छोटे छोटे और कंपार्टमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको एक लैपटॉप का भी स्लीव मिलता है, एक टैबलेट का भी अलग से स्लीव मिलता है, और ऊपर में आपको नियॉन स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा। खूबसूरत लग रहा है। बाकी ओवरऑल स्पेसिंग में ना इसकी काफी ज्यादा अच्छी है, हालांकि कंपार्टमेंट सिंगल है। दूसरी तरफ आपको एक बोतल कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। बैक की तरफ अगर देखें तो आपको एक ग्रिप देखने को मिलता है, वेल पैडेड आपको स्ट्रैप्स देखने को मिल जाएंगे, मेश है, बहुत मोटे मेश है, और अपर केस की यहां पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बैक की तरफ ट्रॉली कंपैटिबल यहां पर लिखा हुआ भी है, और वो स्ट्रैप मिल जाएगा। और नीचे की तरफ यहां पर आपको कोई भी अलग से रेनकोट नहीं मिलता है, अलग से भी खरीद सकते हो, 200-300 रुपए लगते हैं। ओवरऑल अगर बैकपैक को जज करें ना, तो इसके लिए आपको महज 2300 रुपए के आसपास में पे करने। मैं ये महज इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अपर केस एक बहुत अच्छा ब्रांड है बैकपैक के मामले में, प्रीमियम बैकपैक्स बनाता है। लेकिन छोटी सी बस मुझे कमी इसमें भी फील हुई, वो क्या हुई, अपर वाला जो मटेरियल है ना, थोड़ा सा वीक लगता है, प्रीमियम हो सकता था। अगर ये छोटा सा कैजुअल अमेजिंग बैकपैक आप डेफिनेटली ले सकते हो कॉलेज वॉलेज जाने के लिए, क्योंकि आज भाई ज्यादा आजकल कुछ कैरी करना होता नहीं है। ऑलराइट, अब हम जंप कर चुके हैं भाई इस वीडियो के सबसे महंगे बैकपैक पे, और महंगा भी ज्यादा महंगा नहीं, महज 2500 रुपए में हम पूरा निपटा रहे हैं। ब्रांड का नाम है भाई आर्कटिक हंटर। इस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड, यही इस चैनल की खासियत है, ऑनेस्ट रिव्यू बिना किसी स्पॉन्सरशिप के आपको मिलती है। इस एफर्ट को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा, और हमें टेलीग्राम में नहीं फॉलो किया तो फटाफट जाके करो भाई, वहां बहुत तगड़े हम डील शेयर कर रहे हैं आपके फायदे के लिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आर्कटिक हंटर की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, प्राइसिंग यहां पर तो वैसे लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको, नहीं, लेकिन हां एमआरपी थोड़ी महंगी होती है इसकी। पूरा ब्लैक कलर का बैकपैक है, अगेन ब्लैक इसलिए चुना क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड कलर होता है, हमेशा आप इसे ले सकते हो, कैरी कर सकते हो।
सकते हो। देखते ही साथ ना बैकपैक में आपको वो स्ट्रॉन्गनेस ना फील होने वाली है। थोड़ी सी ऊपर में रबर कोटिंग, थोड़ी सी नीचे में रबर कोटिंग, बहुत ज्यादा स्मूथ है। ऊपर में आपको आर्टिक हंटर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बनाया गया ना, ये सिर्फ डिजाइन का पार्ट है। पहला जो कंपार्टमेंट है वो आपको इसके साइड में देखने को मिलता है, बहुत अंदर घुसा हुआ है और ऐसा सेफ भी हो जाता है, एंटी थिफ्ट। भाई जिप की जो क्वालिटी है मक्खन स्मूथ है। जिप के ग्रिप में भी आपको आर्टिक हंटर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर ब्लू ब्लू का भी थोड़ा टच है, मस्त लग रहा है। इसके अंदर आप पूरा डेप्थ यूज कर पाओगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट कंपार्टमेंट की बात करें, यहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेगा, सीधा मिलता है आपको मेन वाला कंपार्टमेंट। इसको खोलते ही साथ आपको एक चीज क्या फील होगी, इस जिप में भी आपको पूरी रबर कोटिंग देखने को मिलती है। क्या है, पूरा ट्रांसफॉर्मर जैसा फील हो रहा है। आर्टिक हंटर के आपको ऊपर में ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, मल्टीपल कंपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। इवन हर पॉकेट में ना लेबल किया हुआ कि यहाँ पर पेन रखना है, यहाँ पर ये रखना है। एक की होल्डर भी देखने को मिल जाएगा और ये की होल्डर भाई डिटैचेबल है, यानी इसको आप अपने कीरिंग में लगा लो, टक टक जाकर बस ऐसा करके घुसाना है, ये लॉक हो जाएगा अंदर में। दूसरी तरफ देखोगे, और ये चीज मैं पहली बार देख रहा हूँ, कि लैपटॉप स्लीव्स तो बने हुए हैं, वेल पैडेड तो है, लेकिन अंदर की तरफ ना पूरा वेलवेट जैसा मटेरियल का काम किया गया है। जैसे आज के जितने भी लैपटॉप्स होते हैं ना, वो पूरे ना मेटल के बने होते हैं, मेटल में बहुत जल्दी स्क्रैचेस आते हैं, ये वेलवेट मटेरियल भाई स्क्रैच नहीं आने देगा। सेम यही मटेरियल आपको टैबलेट के कंपार्टमेंट में भी देखने को मिलता है। भाई बहुत नई चीज मुझे दिखी और सच में काम किया, भाई कोई क्यों नहीं डाल रहे मुझे नहीं पता। बाकी पूरा यहाँ पर आपको अच्छा डेप्थ यूज करने को मिलेगा। एक छोटू सा साइड में छेद भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर यूएसबी और हेडफोन का यहाँ पर साइन बना हुआ है। तार को पास करने की जगह बना दी, उसके बाद जो पास करना है, पास पास खाना है, जो करना कर सकते हो। दोनों साइड में आपको बोतल होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने मार्किंग की हुई है। एक तरफ भाई आपको छतरी ही डालनी है और दूसरी तरफ आपको H2O डालना है, यानी वाटर। ऊपर में आपको प्रॉपर एक प्रीमियम ग्रिप देखने को मिलेगा, वेल पैडेड है। ऊपर में आपको एक अलग से ना लेदर टाइप का मटेरियल डाला गया, जहां पर आपको आर्टिक हंटर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। भाई प्रीमियमनेस में ना कोई कोना छोड़ नहीं रही है कंपनी। एक छोटा सा आपको टंगनी देखने को मिल जाएगा, वेल पैडेड आपको मेश का स्ट्रैप देखने को मिलता है, कोई ऊपर में ब्रांडिंग नहीं मिलती है। और इसके भाई बकल तक में ना आपको आर्टिक हंटर की ब्रांडिंग मिलेगी, खतरनाक लग रही है। बैक में आपको पूरा मेश का काम मिलेगा, हाइब्रिड मेश इसमें यूज किया गया, नॉर्मल मेश की तरह आपको नहीं दिखेगा। ये भी ट्रॉली कंपैटिबल है और जो मटेरियल भी है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर कोई भी ना रेन कवर नहीं मिलता, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें ना, एक बहुत ज्यादा मिनिमल, बहुत ज्यादा सेक्सी एक बैकपैक बोल लो, ट्रैवल बैकपैक बोल लो, या बोल लो भाई कॉलेज बैकपैक, जो भी बैकपैक बोल लो, खूबसूरत तो आप इसे बोल ही सकते हो। प्राइसिंग 2500 के अंदर है, ये भी 2300 रुपए 2400 रुपए के अंदर होगा। डेफिनेटली जाना चाहो भाई इस बैकपैक के लिए, जा सकते हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ऑनेस्ट रिव्यू दिल से निकलते हैं आपके लिए, मेहनत करता हूं आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बू।